नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओम ट्रिक्स में। क्लास 12 का पेपर काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। सो हमारे चैनल पे काफी तेजी से क्लास 12th और क्लास 10th के वीडियो आएंगे, तो जल्दी जल्दी आप हमारे वीडियो देखते रहिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश। दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में आपको गद्यांश पढ़ा रखे हैं, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पद्यांश पढ़ाऊंगा और लगातार इसमें पद्यांश और जीवन परिचय पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे पद्यांश आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेखक का नाम था जिन्होंने लिखा है ये, उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। और ये जो आपका यहाँ पे लिया गया है शीर्षक, उस शीर्षक है कैकई का अनुपात। दोस्तों इसमें से एक जरूर आना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर साल के लिए, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक की बने रहिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, मुझे बार बार ना बोलना पड़े ये सारे काम करने के लिए, इसीलिए आप सब लोग लाइक और शेयर तुरंत कर दिया करना, ठीक है, ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपने पद्यांश से। सो पद्यांश हमारा शुरू होता है कि कहते आते थे अभी नरदेही, माता नकुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। सो यहां से डॉट डॉट करके ही आपका रघुकुल में की थी एक अभिगिन रानी, ठीक है, एक अभागिन रानी, यहां तक कि आपको डॉट डॉट करके पढ़ना है अच्छे से। डॉट डॉट मैंने इसलिए बोल दिया कि अगर मैं पढ़ूंगा तो आपका ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, आपको मैं बस समझाना चाहता हूं कुछ चीजें, ठीक है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो इस पद्यांश में क्या होता है कि अगर आप पद्यांश में आप अगर कहानी पढ़ के नहीं गए हो, यानी कि आपको सीधे डायरेक्टली मैं बताता हूं कि अगर आप पद्यांश पढ़े ही नहीं हो तो आप पद्यांश में कुछ नहीं समझ पाओगे ना कुछ लिख पाओगे। ऐसा गद्यांश में नहीं होता, गद्यांश में अगर आप उसको गद्यांश को पढ़ लोगे अच्छे से तो आप उसका उत्तर दे सकते हो, लेकिन पद्यांश में ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज पद्यांश में यहाँ पे डायरेक्ट श्लोक ही लिखे होते हैं और श्लोक को समझ के आपको उसकी भाषा लिखनी होती है। सो यहाँ पे आपको ये याद करने पड़ेंगे, सारे के सारे पद्यांश याद करने पड़ेंगे, आपके पद्यांश के नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखे। आपको शीर्षक का नाम पता ही है कैकई के अनुपात, और लेखक का नाम आपको पता ही है मैथिली शरण गुप्त। बस इतनी सी चीज आपको इसमें लिख देनी है, बाकी फालतू का कुछ और नहीं लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे पूछता है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, सो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा था रेखांकित अंश की व्याख्या, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं, ठीक है, तो पद्यांश के अनुसार यानी कि पद्यांश से आपको समझ समझ करके लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरा पद्यांश अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसके बिना आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। सो थर्ड क्वेश्चन है पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। ये चीज आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा पूरा गद्यांश इंपॉर्टेंट, सॉरी पद्यांश इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पूरा पद्यांश अच्छे से पढ़ना होगा। कोई और मतलब कि और मैं पद्यांश अपलोड करूंगा हमारे चैनल पे, तो देखते रहिएगा। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन पंक्तियों में कैकई को किस बात का पश्चाताप हुआ है। सो यहाँ पे आपको पूरा बताना पड़ेगा डिटेल्ड में। सो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमने आपको पहले ही बता दिया था, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर ये है, ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसने कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखे, तो शीर्षक का नाम आप हेडिंग डालोगे कैकई का अनुपात, कवि का नाम हेडिंग डालोगे मैथिली शरण गुप्त। इतनी सी चीज लिख के आपको बस काम खत्म कर देना है पहले क्वेश्चन का। उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन पे आ जाना है, हेडिंग डालनी है बड़ी सी रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है, ये हेडिंग आपको डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, और लिखना शुरू कर देना हिंदी में। आपको यहाँ पे सिर्फ कहानियां याद करनी है, बहुत आसान होती है, पद्यांश लिखना काफी ज्यादा आसान है। अगर आपको इसका पद्यांश जो मेन होता है, एक सेकंड आपको मैं दिखा देता हूं, अगर आपको यह समझ में आ गया, ये इतनी सी चीज जो लिखी हुई है ये समझ में आ गया, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखते चले जाओगे, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको पद्यांश आता है तब, ठीक है। सो यहाँ पे कैकई श्री राम से कहती है कि आज तक मनुष्य ही कहते आते थे कि पुत्र कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, परंतु माता उसके प्रति कभी भी दुर्भाव नहीं रखती है। अब तो मेरे चरित्र के कारण लोगों का इस पर उक्ति पर से विश्वास हट जाएगा, और संसार के लोग यही कहेंगे
कि माता दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है, परंतु पुत्र कभी भी कुपुत्र नहीं हो सकता है। सो बस इतनी सी चीज आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में लिख देनी है। देखा, मैंने आपसे कहा था कितना आसान है। सो चीजों को अगर आप आसानी से लेके चलेंगे तो काफी ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आपका यहाँ पे पूछा गया था, एक सेकंड में देख लेता हूँ यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं। सो चलिए आपको हम बताते हैं कि पद्यांश के अनुसार लोग क्या कहते आए हैं। लोग पद्यांश के अनुसार यही कहते आए हैं कि आज तक लोग कहते आते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है मगर माता कुमाता नहीं हो सकती है। सो ये चीज कहते हैं, बहुत आसान है, आप सब लोग बस इसको एक सेकंड में याद कर सकते हो। याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस एकदम एक बार पढ़ लोगे ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कह रहा था कि किसने प्रायश्चित किया है और कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा है, इसका दृढ़ हृदय नहीं देखा है। सो कैकेयी ने प्रायश्चित किया था, जैसा कि आपने पढ़ने को देखा था। अगर आप पद्यांश पढ़ लोगे तो सारी चीजें लिख जाओगे। कैकेयी के प्रायश्चित किया था कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा है, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा है। ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे चौथे क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है। सो पांचवे क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कह रहा था कि इन पंक्तियों में कैकेयी को किस बात का पश्चाताप हुआ है। सो यहाँ पे कैकेयी को किस बात का पश्चाताप हुआ है, ये चीज आपको यहाँ पे लिख देनी है। सो इन पंक्तियों में कैकेयी को अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र की प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का पश्चाताप हुआ था। सो यहाँ तक कि आपको ये पूरा पद्यांश खत्म कर देना है। पद्यांश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, इसीलिए मैंने पीडीएफ दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। जाओ जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई भी दिक्कत हो वीडियो के नीचे कमेंट करो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर करो जल्द से जल्द, ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्त आप सबके इस वीडियो को देख सके। वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। मैं चैनल पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, चैनल पर लगातार आप देखते रहिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।